हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में जो मैंने सेंटेंसेस दिया था आपको होमवर्क के लिए, उसका भी आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा, अगर आपने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया है तो आप उससे मैच कर लीजिए और जहां पर भी गलतियां हों वहां सुधार लीजिए। ओके फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, ये ऐसी क्लास है जहां पर एक स्ट्रक्चर बताया जाता है और एक स्ट्रक्चर के साथ काफी सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करवाए जाते हैं और फिर होमवर्क के लिए भी दिया जाता है ताकि आपका प्रैक्टिस घर पर भी हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये सबसे अच्छा वे है इंग्लिश सीखने के लिए। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके फ्रेंड्स, सो पूरा वीडियो देखा कीजिए शुरू से अंत तक अगर आप सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, सो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, व्हाट इज द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, या उसको हम इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, यानी कि चालू वर्तमान काल, यानी कि जो क्रिया चालू है, हो रही है, उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। उसको हम बनाते कैसे हैं, उसके बनाने के बहुत ही आसान नियम हैं। सबसे पहले पहचानते कैसे हैं उसको हम, जब भी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे क्रिया के बाद, यानी कि वर्ब के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ऐसा रहे, तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि सरल भाषा में कहूँ तो जो भी अगर कोई काम हो रहा है, यानी कंटिन्यूअस है, यानी कि चल रहा है, शुरू है, यानी हो रहा है काम, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई जा रहा है तो वह जा रहा है, यानी कि उसके पाँव चल रहे हैं, मतलब क्रिया चालू है। ओके फ्रेंड्स, वह खड्डा खोद रहा है तो वह खड्डा खोदने का काम कर रहा है, यानी कि काम जारी है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या इम्परफेक्ट टेंस हो गया। ओके फ्रेंड्स, बनाते कैसे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इजारेम प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, यानी कि वी फोर, यानी वर्ब का चौथा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ओके फ्रेंड्स, अभी एक सेंटेंसेस है ऐसा रहे, मैं बनाते जा रहा हूँ। वह स्कूल जा रहा है तो वह सब्जेक्ट हो गया ही, फिर उसके बाद ही के साथ लगता है इज, किसी भी एक वचन के साथ, अगर थर्ड पर्सन हो और एक वचन हो, एक की बात कर रहे हैं तो इज लगता है, तो ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो इसमें सब्जेक्ट हो गया दे, और दे के साथ क्या लगता है, बहुवचन में हमेशा आर लगता है, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। मैं उससे बात कर रहा हूं तो सब्जेक्ट हो गया आई, और आई के साथ एम लगता है, आई एम टॉकिंग विथ हिम। मेरा भाई बैठा है, अब ये अलग तरह का सेंटेंस हो गया, मेरा भाई बैठा है, वह खड़ा है, तो वह सो गया है, मीन्स इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी सारे लड़के, कि बैठा है मतलब उनको ऐसा लगता है कि दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, बट दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं खड़ा हूँ, यानी खड़ा हूँ सेंटेंस के पहचान के नियम से अगर देखा जाए तो परफेक्ट टेंस लग रहा है, लेकिन अगर हम इसके काम के हिसाब से देखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे कि मैं खड़ा हूँ मतलब खड़ा हूँ, यानी कि खड़ा होने की क्रिया जारी है, वह बैठा है यानी कि बैठने की क्रिया जो है वो हो रही है, जारी है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ओके, जो भी काम चालू है यानी कि वो हो रहा है, ओके, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। मैं बैठा हूँ, ओके, मैं बैठ गया हूँ, दिस इज अदर टेंस। ओके फ्रेंड्स, बट मैं बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये मेरा भाई बैठा है, माय ब्रदर इज सिटिंग,
मैं पुल के नीचे खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज। आई एम स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज। उसके पिताजी सोए हैं, यानी कि सोए हैं, यानी कि वो सो रहे हैं। ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि उसके पिताजी सो रहे हैं, यानी कि सोने का काम शुरू है, चालू है, जारी है। तो हिज फादर इज स्लीपिंग। वह बाजार से आ रहा है। ही इज कमिंग फ्रॉम मार्केट। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया। इस तरीके से बनता है, बहुत ही इजी टेंस है। अगर 12 टेंस में से, जितने भी 12 टेंस हैं, सारे 12 के 12 टेंस में से सबसे इजी टेंस ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यही है। ओके फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल कोई भी करता है, बिना पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। ओके, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो क्रिया में आईएनजी लगाकर बोल देते हैं। आई एम जाइंग, ही इज बैठिंग, मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सबसे ईजी है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए सब इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब इसका हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखेंगे। वह स्कूल नहीं जा रहा है, नेगेटिव। तो सिंपल, आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं तो वो नेगेटिव कहलाता है। वह स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैं उससे बात कर नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग विद हिम। मेरा भाई नहीं बैठा है, माई ब्रदर इज नॉट सिटिंग। मैं पुल के नीचे नहीं खड़ा हूँ, आई एम नॉट स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज। उसके पिताजी नहीं सोए हैं, हिज फादर इज नॉट स्लीपिंग। वह बाजार से नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम मार्केट। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया नेगेटिव। अभी अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इंट्रोगेटिव मतलब क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस, उसके बारे में। तो क्या से शुरू होगा, तो उसका हेल्पिंग वर्ब, उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्या वह स्कूल जा रहा है, इज ही गोइंग टू स्कूल। क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं उससे बात कर रहा हूँ, एम आई टॉकिंग विथ हिम। क्या मेरा भाई बैठा है, इज माई ब्रदर सिटिंग। क्या मैं पुल के नीचे खड़ा हूँ, एम आई स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज। क्या उसके पिताजी सोए हैं, इज हिज फादर स्लीपिंग। क्या वह बाजार से आ रहा है, इज ही कमिंग फ्रॉम मार्केट। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, अभी हम इसका क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे। क्वेश्चन मीन्स डब्ल्यू एच वाले जो वर्ड्स होते हैं उसके साथ हम सेंटेंस बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, डब्ल्यू एच वाले कुछ भी हम लगाकर बनाते जाएंगे अभी, सिर्फ समझने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो वह स्कूल जा रहा है, तो इसका हम कुछ भी बनाते हैं कि वो स्कूल कब जा रहा है। When is he going to school? वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वे लोग कहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। Where are they playing cricket? मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं उससे क्यों बात कर रहा हूँ। Why am I talking with him? मेरा भाई बैठा है, मेरा भाई क्यों बैठा है। Why is my brother सिटिंग। मैं पुल के नीचे खड़ा हूँ, मैं पुल के नीचे क्यों खड़ा हूँ। Why am I standing under the bridge? उसके पिताजी सोए हैं, उसके पिताजी क्यों सोए हैं। Why is his father sleeping? वह बाजार से आ रहा है, वह कहाँ से आ रहा है। Where is he coming from? ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स को कैसे बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम कुछ और भी सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, वह मुझे सता रहा है, ही इज टीजिंग मी। वह तुम्हें क्यों परेशान कर रहा है, वाई इज ही ट्रबलिंग यू, या टीजिंग यू, या डिस्टर्बिंग यू भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वे लोग कहीं से आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम समवेयर। मेरे पिताजी मुझे पढ़ा रहे हैं, माई फादर इज टीचिंग मी। वह आदमी मुझे गाली दे रहा है, दैट मैन इज अब्यूजिंग मी। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं,
द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। बाजार में लोग चिल्ला रहे हैं। पीपल, द पीपल आर शाउटिंग इन द मार्केट। कोई गीत गा रहा है। समवन इज सिंगिंग सॉन्ग। कोई मुझे गाली दे रहा है। समवन इज अब्यूजिंग मी। मैं बाजार से नहीं आ रहा हूँ। आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम मार्केट। क्या तुम स्कूल से आ रहे हो? आर यू कमिंग फ्रॉम स्कूल? क्या उसके पिताजी विदेश जा रहे हैं? इज हिज फादर गोइंग अब्रॉड? क्या वह नदी में तैर रहा है? इज ही स्विमिंग इन द रिवर? तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग दिस टाइम? वह तुम्हें क्यों पीट रहा है? वाई इज ही बीटिंग यू? कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? वाई आर द डॉग्स बार्किंग? तुम्हारा भाई क्यों चिल्ला रहा है? वाई इज योर ब्रदर शाउटिंग? तुम्हारी बहन क्यों रो रही है? वाई इज योर सिस्टर क्राइंग? क्राइंग या वीपिंग भी बोल सकते हैं। चिल्ला कर रोते हैं तो क्राइंग, और चुपचाप रोते हैं, आंसू बहाते हैं सिर्फ, तो वीपिंग बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, वह दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? वाई इज ही नॉट ओपनिंग द डोर? तुम कुर्सी पर क्यों बैठे हो? वाई आर यू सिटिंग ऑन द चेयर? वह कहाँ सो रहा है? वेयर इज ही स्लीपिंग? तुम कहाँ खड़े हो? वेयर आर यू स्टैंडिंग? पेड़ पर कौन बैठा है? हु इज सिटिंग ऑन द ट्री? पेड़ के नीचे कौन सोया है? हु इज स्लीपिंग अंडर द ट्री? ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और अब रहा आज के लिए होमवर्क के लिए ये सेंटेंसेस। तो ये रहा, ये होमवर्क के लिए है। इसको आप अच्छी तरह से समझकर बना लेना, बहुत ही ईजी है। और नेक्स्ट क्लास में जो आंसर दिया जाता है उससे आप मैच भी किया करो। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।